हाय गाइस, मैं जानता हूँ बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था मैं, बट अब से चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। इस वीडियो में मैं वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है वीवो V30 Pro। इस फोन के ऊपर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, उसके बाद जो मेरा ओपिनियन बना मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने ये फ़ोन बाय नहीं किया है। इस वीडियो को आप इस तरह से ले सकते हो कि मैं भी आपकी तरह 40,000 रुपये के अराउंड एक फ़ोन बाय करना चाहता था। मैंने इस फोन के ऊपर पूरी रिसर्च करी, उसके बाद जो मेरा ओपिनियन बना वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके कैमरास। इस फोन में हमें 4 50 मेगापिक्सल के कैमरास मिलते हैं, 50MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा वाइड, 50MP का 2x जूम वाला टेलीफोटो कैमरा और सेल्फी कैमरा भी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मिलता है। और इस फोन के कैमरास के लिए ज़ायस के साथ पार्टनरशिप की गई है, जिसकी वजह से आपको पोर्ट्रेट मोड में अलग अलग ज़ायस के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पेशली जो इसका 2x जूम वाला टेलीफोटो कैमरा है, उससे पोर्ट्रेट फोटोज खींचने में अलग ही मजा आता है। बैकग्राउंड ब्लर दिखने में काफी अच्छा लगता है और ज़ायस के अलग अलग ऑप्शन होने की वजह से आप हर बार अलग टाइप का ब्लर भी ले सकते हो फोटोज में। इसके टेलीफोटो कैमरे की वजह से इससे पोर्ट्रेट फोटोज खींचने में अल्ग ही मजा आता है। साथ ही जो 50MP का अल्ट्रा वाइड है वो भी काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर लेता है। स्पेशली अगर हम इस प्राइस के दूसरे फोन से कंपेयर करें तो उनमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, उनसे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फोटोज ये कैप्चर कर लेता है। साथ ही ऑटो फोकस के साथ भी आता है, तो आप मैक्रो फोटोज भी इससे कैप्चर कर सकते हो। और भाई इसका मेन कैमरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो मेन कैमरा मिलता है वही सेम कैमरा आपको 60,000 रुपये वाले वीवो X100 में भी मिलता है। डेफिनेटली फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा है ये, चाहे डे लाइट हो नाइट लाइट हो बहुत अच्छी फोटोज ये कैप्चर कर लेता है। मैं आपको एक बात डेफिनेटली बोल सकता हूँ, अगर आप ये फोन बाय करते हो तो इससे फोटोज खींचना तो आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो। 50MP का सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करता है, और अच्छी बात यह है कि रेगुलर सेल्फी कैमरा से ये थोड़ा वाइड भी है, तो अगर आप चाहते हो तो एक से ज्यादा लोग भी आराम से फ्रेम में फिट हो जाते हैं। आप इसके कैमरा से कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। और अच्छी बात यह है कि ये फोन सारे ही कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 60,000 रुपये का वीवो X100 भी सेल्फी कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। पता नहीं वीवो वाले क्या सोच के फोन बनाते हैं, बट अच्छी बात है कि 40,000 रुपये में एटलीस्ट 4K रिकॉर्डिंग मिल रही है फ्रंट से। डेफिनेटली इस फोन के कैमरा इंप्रेसिव तो है और स्टैंड आउट भी करते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हुए इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.78 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 2800 निट्स तक जा सकती है। यह डिस्प्ले HDR 10 प्लस को भी सपोर्ट करता है। YouTube या फिर Netflix पे आप आराम से HDR वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो इस पे। और कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से इस फोन के साथ आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा प्रीमियम रहता है। बेजल्स भी इस फोन के काफी ज्यादा पतले हैं, तो मूवीज वगैरह देखना भी आप इस पे अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। साथ ही फोन की ब्राइटनेस भी काफी अच्छी खासी है, तो आउटडोर यूसेज में भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आती इस फोन के साथ। बस हाँ, मुझे इस फोन के स्पीकर्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये फोन 42,000 रुपीस के अराउंड आपको मिलता है, बट स्टिल इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। इसमें आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, जिसकी क्वालिटी मैं कहूंगा अच्छी है, बट स्टिल मेरे हिसाब से इस प्राइस कैटेगरी में हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलने ही चाहिए थे। मल्टीमीडिया यूसेज के लिए मैं ये कहूंगा कि ये फोन अच्छा है, बट हाँ स्टीरियो स्पीकर्स मिलने ही चाहिए थे इस फोन के साथ। अगर हम इसके डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें तो वीवो वाले हर बार एक न्यू डिजाइन के साथ आते हैं, और इनके डिजाइन भी काफी कमाल के होते हैं, बट इस बार वाला डिजाइन मुझे इतना खास नहीं लगा, बट बहुत से लोगों को ये डिजाइन अच्छा भी लगा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। बाकी इसमें हमें ग्लास बैक पैनल मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही हमें स्कॉट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। फ्रेम हमें इसमें प्लास्टिक का मिलता है, अच्छा होता अगर मेटल का फ्रेम मिल जाता, बिकॉज हम जानते हैं इस प्राइस में हमें फोन में मेटल का फ्रेम भी मिलता है, उससे थोड़ी सी प्रीमियमनेस और ऐड हो जाती है फोन में मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, उतनी भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। वैसे इस फोन की इन हैंड फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा लाइट वेट और स्लिम फील होता है ये फोन। IP54 की रेटिंग में हमें इस फोन में मिलती है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड के मामले में मुझे ये फोन थोड़ा सा मिक्स्ड बैग टाइप का लगा, और अच्छी बात मुझे ये लगी, इतना स्लिम और लाइट वेट होने के बावजूद भी इस फोन में हमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, और इस फोन का प्रोसेसर भी काफी बैटरी एफिशिएंट है, जिसकी वजह से हेवी यूसेज के बावजूद भी आपको इस फोन के साथ एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और अगर डिस्चार्ज भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है, इस फोन के साथ बॉक्स में 80W का फास्ट चार्जर मिलता है, जिसे यूज करके आप इस फोन को 0 to 100 40 मिनट में चार्ज कर सकते हो।
फिर से यूज करो भाई साहब। बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट मुझे इस फोन का काफी सॉलिड लगा। अब अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ है और वीवो ने इस फोन के साथ 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस किया है। पिछले साल हमें सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते थे, इस बार 1 साल के अपडेट्स बढ़ा दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस फोन में हमें फ्रंट टच ओएस मिलती है जो कि पहले से काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज और स्टेबल हो गई है। यूज करने में ये फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है और इस बार हॉट ऐप्स और गेम्स को हटा दिया है, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस काफी क्लीन होता है इस फोन के साथ। हाँ, थोड़े बहुत ब्लोटवेयर ऐप इसमें मिल जाते हैं जिन्हें आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। कस्टमाइजेशंस के तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस फोन में मिल जाते हैं, बस हाँ, इस फोन में एनएफसी का सपोर्ट नहीं मिलता। जिस प्राइस में ये फोन आता है, डेफिनेटली एनएफसी देना चाहिए था। अब फ्रंट टच ओएस ना किसी किसी को पसंद आ सकती है, किसी किसी को नहीं भी आएगी। पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 2 साल से आईकू का फोन यूज कर रहा हूँ, इसमें भी फ्रंट टच ओएस है, तो मैं ये कह सकता हूँ यूआई अच्छी है यूज करने में। ये अपडेट्स भी काफी टाइम पे आते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके सॉफ्टवेयर के साथ। आपको इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर मिलता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। Vivo वालों ने Vivo V27 Pro और V29 Pro में भी सेम ही प्रोसेसर दिया था। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट Dimensity 8300 दे देते, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से डिसएडवांटेज वाली बात है, एक एडवांटेज भी है इस चीज का। अब देखिए, 3 जनरेशन से एक ही प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं, तो उनको पता है कि इस प्रोसेसर को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और Vivo वालों ने इस प्रोसेसर को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है ना कि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस और ऑप्टिमम बैटरी लाइफ मिलती है। और ये प्रोसेसर ऐसा कुछ वीक नहीं है, Antutu में ये 9 लाख के आसपास स्कोर करता है। BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स आप इस पे हाईएस्ट सेटिंग्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपको LPDDR4X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, जिसकी वजह से ये फोन डे टू डे यूसेज में भी काफी फास्ट फील होता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस फोन की परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी ही है। इन दी एंड मेरा कंक्लूजन यह है कि 42,000 रुपीज़ की प्राइस में जो चीज़ें ये फ़ोन ऑफर करता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। स्पेशली जिस तरह का कैमरा ये फ़ोन ऑफर करता है वो काफ़ी रेयर है। अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। डिज़ाइन भी इस फोन का काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है इस फोन की, परफॉर्मेंस को भी मैं काफ़ी हद तक अच्छा ही बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप एक सीरियस गेमर नहीं हो ना, अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हो तो भी आप इस फोन के साथ आराम से सेटिस्फाइड रहोगे। तो ओवरऑल 42,000 रुपीज़ की प्राइस में ये फ़ोन एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। अगर आप में से कोई ये फ़ोन बाय करता है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, इससे जो लोग ये फ़ोन बाय करना चाहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बाकी मैं श्योर हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू टेक एवर।